बगल में ट्रिपल आईटीएम स्थापित हुआ है, ये सौभाग्य हमें मिला। हम सौभाग्यशाली है महाराज कि इस ग्वालियर को आपने 1100 करोड़ का, विशेष ग्वालियर की नक्शा बदल जाएगा, एलिवेटेड रोड दिलवाया, इसके लिए आभार। हम इस बात के लिए आभारी हैं कि सामने आपने राज स्त्री एक राज बस अड्डा लाया जो बन रहा है, सामने आपके प्रयासों के कारण बन रहा है। हम आभारी इस बात के लिए हैं कि मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पर सिविल हॉस्पिटल ग्वालियर कायम है जो प्राइवेट हॉस्पिटल से अच्छा इलाज देता है। देता है कि नहीं देता? नहीं देता तो ताली बंद बजाना, और देता है तो जोरदार ताली बजा दो महाराज के सामने। ये यही बात खत्म नहीं होगी। हम आभारी हैं श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के, आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, मैं आभारी हूं माननीय नरेंद्र सिंह जी का, मैं आभारी हूं माननीय विवेक नारायण चंद्रकर जी का, मैं आभारी हूं माननीय जयभान सिंह जी का कि श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने आज पटेल आर्ट स्कूल कहता कैसा था पहले, कैसा था और आज कैसा है? अच्छा है तो फिर ये मेरे कारण नहीं हुआ। बजाओ ताली इस व्यक्तित्व भरी श्रीमत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए। और महाराज ये ग्वालियर, और दूसरा दोस्तों आप लोगों को रोजगार मिले उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि नौजवानों को, आने वाली पीढ़ी को रोजगार मिले उसके अनुकूल वातावरण बनाने के लिए रोड यातायात व्यवस्था तो ठीक हो ही गई। आप देख रहे हो एयरपोर्ट जाने कैसा बन रहा है, बन रहा है कि झूठ कह रहा हूं मैं, सही कह रहा हूं। और 500 करोड़ की लागत से रेलवे स्टेशन का उन्नयनीकरण भी होने जा रहा है। यह आपको जब रेल यातायात व्यवस्था, जब स्टेशन की व्यवस्था, रेल यातायात व्यवस्था ठीक हो जाएगी तो द्रौपदी कहां जाएगा? ग्वालियर आएगा ना? जैसा कैलाश महाराज माधवराव सिंधिया ने मालनपुर बामर स्थापित कर दिया, पैसा ही उद्योग की छड़ी लगेगी जिससे हमारे बेटा बेटी को रोजगार मिलेगा, वो दिन भी साकार होगा। ये इस मन से सेवक प्रद्युमन सिंह आपके बीच कह रहा है, ये भर और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP Today Network को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।